नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इस समय मैं बलिया जिला के बेलठौर स्टेशन पर मौजूद हूं और यहां पे हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश बनवाल जी मौजूद हैं, जो कि पीड़ित हैं रेलवे से और उन्होंने रेलवे को शिकायत लिखी है। बनारस से देवरिया का इनका टिकट था, एसी में टिकट था और इनको जो यात्री सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। इनके शिकायत पर क्या संज्ञान लिया गया है और क्या इनके साथ असुविधा हुई है, आइए इनसे ही बात करते हैं। जानने देखिए, प्रकाश बनवाल, तहसील संवाददाता, जन संदेश टाइम्स, बेलथौर बलिया। मैं वाराणसी से 15003 नंबर की चौरी चौरा एक्सप्रेस ट्रेन से एसी में अपना टिकट जो है ऑनलाइन बुक किया था, जिसमें हमको B1 में 46 नंबर की सीट मिली थी। ट्रेन रात को 2 घंटे विलंब से पहुंच करके करीब जो है प्लेटफार्म पर लगभग 2 बजे रात में पहुंची। जब मैं अपने बोगी में पहुंचा तो अपनी सीट तो पाया जिस पर कोई और भी विराजमान था, फिर वो खाली हुआ। खाली होने के बाद फिर मैं अटेंडेंट को खोजने लगा कि जो इसका बेडशीट और चादर क्या क्या वो तकिया मिलता है, तो पता चला कि जहाँ से वितरण हो रहा था वहाँ कोई था ही नहीं, बल्कि और सारे उसके बिस्तर वगैरह जो थे, जो बेड वगैरह नीचे गिरे हुए थे, अस्त व्यस्त थे। और उसके बाद से मैं उसको खोजते हुए बगल के B2 में भी गया, वहाँ भी खोजा, वहाँ भी कोई का पता नहीं चला। फिर मैं कई लोगों से पूछा कि कैसे मिला, कहा भैया हमको पता नहीं, तो शुरू में मिला था, फिर उसका पता नहीं चला उसका। फिर मैं मजबूरी में अपना ऊपर चढ़ा, अपने सीट पर ऊपर वाली सीट थी। अब रात में किस तरह मैं गुजारा मैं ही जानता हूँ। यात्रा शुरू करने से पूर्व तत्काल मैंने DRM वाराणसी और वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक को मैंने व्हाट्सएप किया कि मेरे साथ इस तरह की घटना घटी है और कोई भी मिला नहीं जो यात्री हित में नहीं है। एक यदि यात्री यदि है तो उसको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। मैंने लिख के भेजा और इसका मैं मानूंगा कि वाराणसी मंडल के DRM रामाश्रय पांडे जी हैं। तुरंत उन्होंने इसको संज्ञान में लिया और तत्काल इसकी जांच गोरखपुर के चीफ TCI को उन्होंने सौंपा। और बल्कि आज लगभग 12 बजे दिन में चीफ TCI का भी फोन आया, उन्होंने मुझसे घटित घटना के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि मैं समझना चाह रहा था, मुझको जांच मिली है, मैं इसके बारे में रिपोर्ट देना चाहता हूं। और इसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसकी रिपोर्ट देता हूं। मैंने उनको सारी बात से जानकारी, मैंने कहा कि अभी माली अटेंडेंट का मामला है भाई, कोई चोरी हो जाए, घटना घट जाए, कोई बात हो जाए, कोई अटेंडेंट ना रहे, इसका क्या मतलब। लेकिन मैं आभारी हूँ DRM साहब का और अपने सीनियर DCM का कि तत्काल इसको संज्ञान में लिया गया और इस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। और उम्मीद है कि मेरी जो मांग है कि जो यात्री को मिलने वाली सुविधाएं हैं यदि वह नहीं मिली तो जो उसका पैसा है टिकट का वह रिफंड होना चाहिए। यह जो है मतलब कि यह मेरी मांग उनसे, यह मैंने लिखित रूप से सौंप रखा है। धन्यवाद आपका। तो ये वरिष्ठ पत्रकार जन संदेश टाइम्स के तहसील रिपोर्टर हैं यहाँ पर बेलथौर में, और इनके साथ जो घटना हुई उसे विस्तार पूर्वक आप लोगों से बताया। और इन्होंने बिना देर किए जो रेलवे के उच्च अधिकारी हैं उन तक जो है अपनी बात जो है पहुँचाई, अपनी पीड़ा पहुँचाई, और आज अब जो है वो चाहते हैं कि जो भी सुविधाएं उन्हें नहीं मिली उसका जो हर्जाना रेलवे उन्हें दे। भारत मीडिया के लिए घनश्याम शर्मा के साथ सब्बीर अहमद की रिपोर्ट, बने रहें भारत मीडिया।